मैंने वो थोड़ा लाइक आई बैलेंस्ड माई नेम मेरे किसी स्पिरिचुअल एडवाइज़र ने उन्होंने बोला सो लाइफ हैज़ बिन गुड सिंस देन मोर पीसफुल सो वेरा ऐड किया है ऑफकोर्स वीरा वेरा जो कह सकते हो सो इट जस्ट बैलेंस इज माइंड बोथ एक्चुअली बोथ हम सब लोगों की एक फ्रीक्वेंसी होती है तो वो फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए मुग्धा गोडसे था ही बट वेरा ने थोड़ा और अच्छा कर दिया थोड़ा और पीस आ गया इट्स अ ऐड सो देखो वी डोंट बिलीव इन एडिंग मुग्धा ए चार ए एंड गोडसे में दो ओ डाल दिए और ऐसा सो एक नाम ऐड कर दिया सो इट जस्ट मेक्स इट मोर aesthetically correct also. You've also gone into production with this particular film. What was it that actually attracted you? I mean, was it the script or was it something you just wanted to get I back? Just like because when he came with me the script definitely knew this has to be played by the other girl's character has to be her and the producer aspect just came along knowing this is a new platform digital platform hai and just thought ki okay let's co-produce it and you know at least take it to that level and just as an actor just want to do good work so I thought let's support it and do it so that's the whole agenda there's nothing major Okay, you know, film is very promising, especially you know the climax. हाँ जी. Where you come to know that she is your daughter or she come to know that you are mother. Okay. ये कैसा experience रहा आपका और एक अलग अवतार में देखने को मिला आपको जी. You know, जो आपने कभी नहीं किया होगा एक जी. Astrologer और इस तरह से आपका हाँ you know, आपका look आपका costume जी, जी, जो आप जी सो सी दैट्स वॉट द इंट्रीगिंग पार्ट ऑफ द होल स्टोरी जब उन्होंने मुझे सुनाया इट वॉज समथिंग डिफरेंट एंड जैसा ये डिजिटल माध्यम है उसमें ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है बहुत सारे ऑडियंस देख सकते हैं पहले हम हमेशा थिएट्रिकल की थिएटर में कौन लोग देखने जाएंगे तो अभी ये टेंशन नहीं है यू कैन जस्ट वॉच इट ऑन योर मोबाइल और इन लैपटॉप सो ये इट्स यू कैन एक्सपेरिमेंट सो हमने ये किया एक्सपेरिमेंट एंड मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी एंड इवन शी एंड आई वर डिस्कसिंग ड्यूरिंग द शूट कि ये बहुत एक अलग एंड नाइस एंड हम लोगों ने लाइक आई हैव नॉट प्लेड सच कैरेक्टर तो आई थिंक इट टर्न आउट वेल एंड दैट्स वॉट लीव्स एवरीबडी विद एक्साइटमेंट क्यों ऐसा क्यों नहीं करा गया क्योंकि फिल्म आपने बनाई है हाँ जी रॉयल स्टैग फिल्म फेस्टिवल है और भी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है जहां पे फिल्म इस तरह की शॉर्ट फिल्म जाती हैं वेब सीरीज की डिजिटल प्लेटफॉर्म की वहां क्यों नहीं लेके गए डेफिनेटली हम करेंगे अभी तो बनी है एंड देन हंगामा प्ले शोड इंटरेस्ट सो इट्स स्ट्रीमिंग ऑन हंगामा प्ले टुमारो 12 o'clock ऑनवर्ड्स सो अभी तो शुरुआत है सो डेफिनेटली इट विल गो टू ऑल द फेस्टिवल्स विल डेफिनेटली टेक पार्ट एंड इट विल गो वर्ल्ड वाइड यस Yeah, Mark. Oh, it's in a heart. Question for all three of you. Like, Mugdha, you're playing a crystal gazer. Yes. Have you actually gone and done any of this? Because Bollywood actors have always really focused a lot on numerology, astrology. जी जी सी ये जो किरदार था क्लेयर वॉइंट वी कैन कॉल इट ये ना इंडिया में थोड़े एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग उसमें ज़्यादा प्रभाव है ये क्रिस्टल है लेकिन इट्स मोर ऑफ लाइक इट्स वेरी रेयर बट ऑफकोर्स मैं सब जगह गई हूँ आई लव दिस फील्ड एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड आई ट्राई एंड डू ट्राई माई हैंड एट टैरो विथ माई फ्रेंड्स ऑल्सो सो आई कीप doing all this and I believe in this that's what have you ever been to a crystal gazer or a clairvoyant or a numerologist of course astrologer to gayi hongi astrologer I have we of course have a guruji we have a family guruji who looks after our things but not really I think it's mom's department more than my department to be honest so not really okay Mugdha since you said that you've been to a clairvoyant also what have your experiences been and what have you picked up from your experiences into the guild एक्सपीरियंसेस सी ये थोड़ा हमने फिल्म लिबर्टी लिया है इतना ड्रेसअप नहीं होते बट हमारे डायरेक्टर को थोड़ा चाहिए था तो हमने किया है बिकॉज यू नो इट लुक्स नाइसर बट नॉर्मली ऐसे नहीं होते नॉर्मल रहते बट येस ऑफकोर्स वेन जब भी मैं किसी से मिली हूँ
ऑटोमेटिकली, अरे आ गया, ऑटोमेटिकली ना पॉजिटिव चीज़ें मैं याद रखती हूँ, जो अच्छा बोला नहीं है वो निगेटिव है मैं छोड़ देती हूँ. सो यू नो इट वर्क्स, मैनिफेस्टेशन वर्क्स एंड ओनली गुड थिंग्स हैपन. सो नॉट दिस काइंड ऑफ स्टोरी, लेकिन बहुत ऐसे किस्से हुए हैं जिससे यू नो कुछ किसी ने कुछ बोला है वो हो गया है, और मैनिफेस्टेशन आई हैव एक्सपीरियंस. सो दीस थिंग्स आर डेफिनेटली देयर, ऑफ कोर्स इफ यू बिलीव देन दे आर देयर. ओके, टू द डायरेक्टर, यू नो जब आप गए सब्जेक्ट को लेके, डू यू आर यू प्रिपेयर कि ये हो जाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट एंड व्हाई यू थॉट टू बी बीइंग विद टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट विद मुक्ता एंड व्हाट वाज हर रिएक्शन. शीज अ डियर फ्रेंड एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस लॉन्ग. तो पहले जब मेरा ये स्टोरी है तो मुझे मेरे मन में इनका ही ख्याल आया एंड आई वेंट टू हर. सो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगा कि हाँ हो जाएगा करके. ओके मुक्ता, इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब आप प्रोड्यूसर बन गई हैं. हाँ जी. और कितना मुश्किल होता है बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग एन एक्टर? सी, प्रोड्यूसर बनने का एक सबसे फायदा होता है कि अपने आप को कास्ट कर सकते हो, यू नो, सो यू डोंट हैव टू वरी. बट जोक्स अपार्ट, इट्स अ डिफरेंट फील्ड एंड आजकल इफ यू प्रोड्यूस एंड यू हैव अ डायरेक्टर लाइक दिस, इट्स ईजी, इट्स यू कैन गेट थिंग्स टू क्विकर टू द ऑडियंसिस एंड इट्स जस्ट दैट पार्ट, नथिंग एल्स. अभी इफ यू गेट गुड मनी वाई नॉट, बट ऑफकोर्स द मेन थिंग इज टू डू गुड वर्क एंड हमारे अंदर का जो एक्टिंग का जो हुनर दिखाना है उसके लिए जस्ट फाइंडिंग वेज एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट वी वॉन्ट टू डू फ्यू मोर एपिसोड्स ऑफ दिस इफ पॉसिबल, वी आर थिंकिंग एंड देन डेफिनेटली आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डूइंग अ मराठी फिल्म. इट्स बीन हैपनिंग सिंस वेरी लॉन्ग बट आज हमने डिसाइड कर लिया है कि करेंगे. सो वेरी सून दैट आई नॉट येट डिसाइडेड बट डेफिनेटली करनी तो है. लाइक आई बीन टॉकिंग अबाउट इट, वी प्लान्ड टू डू इट बट देन Rajiv Patil, everybody knows. So I guess definitely this is time to do a Marathi film. So many good Marathi films are coming. She's also coming, but and I have found a script for myself which I wanted to do. So you guys will very soon will see that. Yes. Thank you so much. Thank you. क्योंकि एक दृष्टि नाम है, तो मतलब ऐसे दूर दृष्टि रखती हैं आप? आपने पिक्चर देखी नहीं ना अभी? हाँ, अभी देखोगे देन यू विल नो. बट यस, दृष्टि एक मेरे किरदार का नाम है एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ मेटाफर फॉर द होल फिल्म आल्सो, बिकॉज वो एक क्रिस्टल गेजर है, क्रिस्टल में देख के भविष्य बताती है. यस, सो वंस यू सी इट यू विल नो, लेकिन इसलिए दृष्टि वो एक मेटाफर है और उसका नाम भी दृष्टि है. सो दैट्स टू थिंग्स. वन लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी. Since it's drishti, what is your foresightedness towards love, relationship and marriage in the future? जैसा सभी को पता है, इट्स ऑलवेज, वी ऑलवेज ऑन फॉर लव एंड मैरिज एंड रिलेशनशिप ऑलवेज फॉल आफ्टर दैट. सो आई एम इन अ हैप्पी स्पेस, सो इट्स ऑलवेज. नो प्रेडिक्शन, आई थिंक दीस थिंग्स वन शुडंट प्रेडिक्ट, इट शुड जस्ट गो विद द फ्लो. So that's about it. Thank you. Thank you very much. Because you know why, I sincerely feel that anything as intriguing, like the ending is like an intriguing ending. Anything with an intriguing ending, you can develop into whichever way you want. You know, so it's like, are they mother and daughter? What is the connotation? You know, so it's a very beautiful, I love the end. Okay, it means there are possibility of 1, 2 episode, 3, it will go like that. I think it can be a series. It can be anything. That's what I'm saying. It can be, depending on whoever the creative is on this, the writer, director, whoever, they can all conglomerate and, you know, think how to sort of take this forward. They can, but they can take it forward in any way possible. Sir, actually, no, I am not very aware. I am on the other side of the camera, so I don't know what are the platforms. I only know that if there is a script, whether I should read. And so I can't say. But now you're pointing out, if there are better things, then they should have taken it. I have no idea. As an actor, I mean, I don't know. I can't comment on that. But what I can see as an actor clearly is that it can be developed in any way possible, any manner possible. And maybe it's good it's come out this way, because I mean, I've just done a series for Alt Balaji.
called The Test Case. It was released on the 26th of Jan. We are in March. I had a great time doing it. And I think, जैसे old है, वैसे ही Woot है. जैसा Woot है, वैसे ही Amazon है. Amazon है, and Netflix है. ऐसे कई चीज़ें हैं इस वक्त, you know. तो ये सीरीज के तौर पे, you know, कई बार वो अभी क्योंकि इतनी ज़्यादा सीरीज कुछ बनने लगी हैं, they also want to see कि क्या है भाई. So sometimes the star cast is enough. Sometimes if you show something like this, it's definitely more than enough, I think. You know what I mean? So I think वो भी एक तरीका है जो आप बोल रहे हैं. But अगर कोई clear है कि यार series ही बनाना है, then this is the best way out ना. If you have the money and you make it and have a screening, have 10 screenings, it's okay. Thanks.